कार्नेटिक वार, अब हम देखेंगे कार्नेटिक वार। देयर वर अ सीरीज ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी इन इंडिया। हमारे इंडिया में 18th सेंचुरी के मिडिल में यानी कि बीच में मिलिट्री जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे वो बहुत सारे हो गए थे, सीरीज आ गए थे, मतलब एक के बाद एक होते जा रहे थे। द कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व न्यूमरस नॉमिनली इंडिपेंडेंट रूलर्स एंड देयर वेसल्स स्ट्रगल्स फॉर सक्सेशन एंड टेरिटरी एंड इंक्लूडेड अ डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री स्ट्रगल बिटवीन द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कि एक के बाद एक कॉन्फ्लिक्ट होते ही जा रहे थे और ये जो कॉन्फ्लिक्ट थे इसमें बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंस रूलर और जो उनके मानने वाले थे वो थे, ये सब संघर्ष कर रहे थे सक्सेशन के लिए यानी कि कामयाबी के लिए और अपने अपने एरियाज़ को बढ़ाने के लिए। और फिर इसी वजह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में अब बहुत एक मिलिट्री स्ट्रगल, एक सैनिक संघर्ष आप जो कह सकते हैं वो हो गया था। देवर मेनली फॉट विद इन द टेरिटरी ऑफ मुगल इंडिया विद द असिस्टेंस ऑफ वॉरियर्स फ्रेगमेंटेड पॉलिटीज लॉयल टू द ग्रेट मुगल। वो जो थे वो मेनली मुगल एरियाज के अंदर, मुगल इंडिया में जो एरियाज थे उसके अंदर और उसके जो पॉलिसीज थी जो कि ऐसे पॉलिसीज जैसे दरबारी या ऐसे राजनयिक जो कि ग्रेट मुगल के तरफ लॉयल थे यानी कि वफादार थे उनके साथ वो मेनली लड़ रहे थे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मिलिट्री कॉन्टेस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स डोमिनेंस अमंग द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज विद इन इंडिया। और इसके बाद में उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो मिलिट्री कॉन्टेस्ट जो प्रतिस्पर्धाएँ जो उनको उनके बीच में संघर्ष हुए उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना डोमिनेंस यानी कि अपना प्रभुत्व जो है वो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में इंडिया में जमा लिया था। द फ्रेंच कंपनी वॉज पुश्ड टू अ कॉर्नर एंड वॉज कन्फाइंड प्राइमरीली टू पॉन्डिचेरी। जो फ्रेंच कंपनी थी उसको एक धक्का देकर पुश करके एक कोने में खदेड़ दिया गया था, जिन मतलब उसको सिर्फ एक पॉन्डिचेरी तक ही उसको सीमित कर दिया था। इन द 18th सेंचुरी द कोस्टल कार्नेटिक रीजन वॉज अ डिपेंडरी ऑफ हैदराबाद। फिर 18th सेंचुरी में जो ये कोस्टल कार्नेटिक रीजन था यानी समुद्र के जो पास वाला जो कार्नेटिक रीजन था वो क्या था, हैदराबाद में था। वॉज अ डिपेंडेंसी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद की डिपेंडेंसी था, हैदराबाद के ऊपर डिपेंड था। थ्री कॉर्नेटिक वॉर्स वर फॉट बिटवीन 1746 और 1763 के बीच में थ्री जो कॉर्नेटिक वॉर्स है वो हुए थे। फर्स्ट कॉर्नेटिक वॉर हुआ था 1746-48 में, हैड इट्स ओरिजिन इन द ब्रिटिश यूरोप व्हेन वॉर ब्रोक आउट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस इन 1742। जब 1742 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में वॉर हुआ था तब ये फर्स्ट कॉर्नेटिक वॉर हुआ था। द वॉर इन इंडिया स्टार्टेड व्हेन नवाब ऑफ कॉर्नेटिक कैप्चर्ड सम फ्रेंच शिप्स, फ्रेंच रिस्पॉन्स फेड बाय कैप्चरिंग फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। ये जो इंडिया में जो वॉर हुआ था वो जब नवाब कॉर्नेटिक के जो नवाब थे वो उन्होंने कुछ फ्रेंच शिप को पकड़ लिया था और उसके उत्तर में रिस्पॉन्स में फ्रेंच ने क्या किया था, सेंट जॉर्ज मद्रास में सेंट जॉर्ज में कैप्चर कर लिया था, किले में उनको कैप्चर कर लिया था। द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर ऑल्सो केम टू एन एंड, पहला जो कार्नेटिक वॉर था वो बिल्कुल खत्म हो गया था, खत्म होने आया था। इन द ट्रीटी ऑफ एक्जिला चैपल, फिर ट्रीटी यानी कि संधि, एक संधि हुई थी एक्सला चैपले 1740 और में, इससे फर्स्ट कॉर्नेटिक वॉर जो था खत्म हो गया था। ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले मद्रास वॉज गिवन बैक टू द ब्रिटिश, इसमें मद्रास को फिर से ब्रिटिशर्स को दे दिया गया था इन एक्सचेंज फॉर द ब्रांच फोर्ट्रेस ऑफ लुइसबर्ग इन नॉर्थ अमेरिका। कि उसके एक्सचेंज में फ्रेंच ने क्या लिया था, लुइसबर्ग नॉर्थ अमेरिका में विच द ब्रिटिश हेड कैप्चर, जिसको ब्रिटिश ने लोगों ने कैप्चर कर लिया था। After the first Carnatic War ended, a proxy war between British and French continued in India. First Carnatic War के खत्म होने के बाद में एक ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया के बीच में एक ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में एक कंटिन्यूड प्रॉक्सी वार चल गया था। When rulers of both Carnatic and Hyderabad died, जब Carnatic और हैदराबाद दोनों के rulers मर गए, the war of succession that broke out, फिर ये जो वार था वो broke out हो गया। The British and the French sided with opposite groups. ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों अलग अलग ग्रुप में हो गए थे। इन 1751 रॉबर्ट क्लाइव लेड ब्रिटिश ट्रूप टू कैप्चर
अर्कोट एंड सक्सेसफुली डिफेंडेड। 1751 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ट्रुप ने अर्कोट को कैप्चर कर लिया था और उसको सक्सेसफुली हासिल भी कर लिया था। द वॉर एंडेड विद द ट्रिटी ऑफ पौंडीचेरी। ये जो वॉर था वो पौंडीचेरी की संधि से ख़त्म हुआ था, जो कि साइंड इन 1754, विच रिकॉग्नाइज मोहम्मद अली खान वालाजा एज द नवाब ऑफ कर्नाटिक। इस संधि में मोहम्मद अली खान वालाजा को नवाब, कर्नाटिक ऑफ नवाब के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था, उन्हें स्वीकार किया गया था। द आउटब्रेक ऑफ 7 ईयर्स वॉर बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश फोर्स इन इंडिया लीडिंग टू थर्ड कर्नाटिक वॉर 1756 to 63। फिर ऐसे 7 साल तक ऐसे आउटब्रेक दोनों के बीच में ऐसे संघर्ष चलता रहा और उसकी वजह से थर्ड कर्नाटिक वॉर हुआ 1756-63। द वॉर कंक्लूडेड विद द साइनिंग ऑफ द ट्रिटी ऑफ पेरिस इन 1763। और ये जो वॉर था उसका निष्कर्ष क्या निकला कि पेरिस की संधि हुई थी 1763 में, विच रिटर्न चंदरनगर एंड पौंडीचेरी टू फ्रांस एंड अलाउड द फ्रेंच टू हैव फैक्ट्रीज इन इंडिया। इस संधि में क्या हुआ कि चंदरनगर और पौंडीचेरी थे वो फ्रांस को लौटा दिए गए और फिर जो फ्रेंच थे उन्हें इंडिया में फैक्ट्रीज भी रखने की अनुमति मिल गई थी। द फ्रेंच एग्रीड टू सपोर्ट ब्रिटिश क्लाइंट गवर्नमेंट्स, दस एंडिंग फ्रेंच एम्बिशंस ऑफ एन इंडियन एम्पायर एंड मेकिंग द ब्रिटिश द डोमिनेंट फॉरेन पावर इन इंडिया। फ्रेंच इस बात के लिए एग्री हो गई थी कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको उन्होंने सपोर्ट करना एग्री कर लिया था और इस तरीके से फ्रेंच लोगों की जो एम्बिशन थी कि वो इंडिया को अपना एम्पायर बनाए वो ख़त्म हो गई थी और उसी के साथ जो ब्रिटिश था वो एक डोमिनेंट पावर बन के इंडिया में आ गया था। फिर आता है आपका बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। अब आपको पता है बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुआ था, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। कर्नाटिक वार फर्स्ट सेकेंड थर्ड हुए थे वो भी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में ही हुए थे, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था नवाब ऑफ बंगाल, है ना, उसके जो फ्रेंच अलायंस थे वो और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अब बैटल ऑफ बक्सर है वो किन के बीच में हमें देखेंगे। द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट ऑन 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। ये हुआ था बिटवीन द फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय हेक्टर मुंडो एंड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल टिल 1764, द नवाब ऑफ अवध सिजुद्दौला एंड द मुगल एम्परर शाह आलम। की ये जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जिनका नेतृत्व हेक्टर मुंडरो ने किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था, हेक्टर मुंडरो, और उसके बाद में मीर कासिम बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम वो अवध के नवाब थे, शाहजुद्दौला वो और जो मुगल एम्परर शाह आलम थे, इन तीनों की कंबाइंड सेना का हेक्टर मुंडरो के साथ में संघर्ष हुआ था। ये कहलाता है बैटल ऑफ बक्सर, ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। द बैटल वॉज फॉट एट बक्सर अ स्मॉल फोर्टिफाइड टाउन विद इन द टेरिटरी ऑफ बिहार। ये जो बैटल ऑफ बक्सर था वो एक छोटे से टाउन के में हुआ था जो कि बिहार में है। लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा रिवर अबाउट 130 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पटना। और ये जो बक्सर है बिहार में है, गंगा नदी के तट पर है और ये पटना से 130 किलोमीटर वेस्ट की तरफ है। इट वॉज अ डिसीव विक्ट्री फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। द वॉर वॉज ब्रॉट टू एन एंड बाय द ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद। और ये जो वॉर था ये अलाहाबाद की संधि के साथ में ख़त्म हुआ 1765 में। द ब्रिटिश विक्ट्री एट बक्सर हैड एट वन फेल स्वूप डिस्पोज ऑफ द 3 मेन्स ऑफ मुगल पावर इन अपर इंडिया। अपर इंडिया में जो 3 मेन जो साइंस थे वो उन्होंने ख़त्म कर दिए थे। मीर कासिम डिसअपियर्ड इनटू एन इम्पॉवरिश्ड ऑब्सक्यूटली। मीर कासिम बिल्कुल ही गायब ही हो गया था एक तरीके से देखे तो। शाह आलम रिलाइंड हिमसेल्फ विद द ब्रिटिश। शाह आलम ने अपने आप को ब्रिटिश के साथ मिला दिया। एंड शाहजुद्दौला शाह सुजा फ्लेड वेस्ट होस्टली परस्यूड बाय द विक्टर्स। और वो किधर, वेस्ट की तरफ भाग गया था। द होल गंगेस वैली ले एट द कंपनीज मर्सी। अब पूरी जो गंगा वाला जो एरिया था वो कंपनी के अधिकार में आ गया था। शाह सुजा इवेंचुअली सरेंडर्ड। शाह सुजा ने सरेंडर कर लिया था अपने आप को। हैंस फोर्थ कंपनी ट्रुप्स बिकेम द पावर। और फिर आगे जो कंपनी ट्रुप्स था वो पावर में आ गया।
फोकस थ्रू आउट अवध एज वेल एज बिहार। फिर जैसे अवध और बिहार में उन्होंने अपना पावर जमा लिया था। एनेक्सेशन ऑफ मैसूर एंड मराठास। अब मराठा और मैसूर का देखेंगे हम। द 18th सेंचुरी वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट टर्मोइल इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो 18th सेंचुरी थी वो एक तरीके से देखा जाए तो एक ग्रेट टर्मोइल थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इसी टाइम जितने भी संघर्ष वगैरह और कुछ जो कहते हैं ना अंदर से दीमक की तरह लगना वो लगा था। ऑल्दो द सेंचुरी ओपन विथ मच ऑफ द सब कॉन्टिनेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर। कि सेंचुरी जब स्टार्ट हुई थी तो वो मुगल एम्पायर के अंडर में थे। द डेथ इन 1707 ऑफ एम्परर औरंगजेब रिजल्टेड इन द फ्रैक्चरिंग ऑफ द एम्पायर। और जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में ये जो मुगल एम्पायर था ये एक तरीके से फ्रैक्चर हो गया था यानी ख़त्म होने लग गया था। एंड द स्ट्रगल अमंग वायसरायज एंड अदर लोकल रूलर्स फॉर टेरिशरी। और वायसराय और दूसरे जो लोकल रूलर थे उनके उनके बीच में संघर्ष होने लग गया था। इन द 1740s एंड 1750s फ्रेंच एंड ब्रिटिश कॉलोनियल कंपनीज बिकेम मोर एक्टिव इन दीज लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स। और वे 1740 से 50 तक फ्रेंच और ब्रिटिश कॉलोनियल जो कंपनीज थी वो ज़्यादा एक्टिव हो गई थी इन ये जो लोकल उनके विवाद होते थे उसमें वो अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। एंड बाय द थर्ड कार्नेटिक वार और फिर थर्ड कार्नेटिक वार जो था उसके द्वारा थर्ड कार्नेटिक वार 57 से 63 के बीच में हुआ था। थर्ड कार्नेटिक वॉर द ब्रिटिश हैड नॉट ओनली गेन सम वॉट सॉलिड फुटहिल्स इन बॉम्बे। न केवल बॉम्बे में उन्होंने अपने मजबूत जड़े जमा लिए अपने पांव जमा लिए मद्रास कलकत्ता यहाँ पर भी उन्होंने अपने पांव जमा लिए। बट दे हैड ऑल्सो मार्जिनलाइज बट नॉट एलिमिनेटेड द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर कॉलोनियल पावर। लेकिन हाँ इसके साथ ही उन्होंने दूसरे जो कॉलोनियल पावर्स है उनको लिमिट कर दिया था सीमा में रख दिया था। हाँ पर लेकिन वो उनको पूरी तरीके से भगा नहीं पाए थे। द एंग्लो मैसूर वॉर्स वर अ सीरीज ऑफ वॉर्स फॉट इन ओवर द लास्ट थ्री डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी बिटवीन द किंगडम ऑफ मैसूर ऑन द वन हैंड एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिप्रेजेंटेड चीफली बाय द मद्रास प्रेसिडेंसी एंड मराठा कॉन्फेडरेसी एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद ऑन द अदर। ये जो एंग्लो मैसूर वॉर था ये वो एक तरीके से एक सीरीज की तरह लास्ट थ्री डिकेड में लड़े गए थे। ये किंग मैसूर के जो किंगडम थे एक तरफ तो मैसूर के जो राजा थे मैसूर वो थे और दूसरी तरफ मैसूर के राजा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा कॉन्फिडेंसी और निज़ाम जो थे हैदराबाद के उन सभी के बीच में लड़े गए थे एंग्लो मैसूर वॉर। हैदर अली एंड हिज सक्सेसर टीपू सुल्तान फॉट अ वार ऑन फोर फ्रंट्स विद द ब्रिटिश अटैकिंग फ्रॉम द वेस्ट साउथ एंड ईस्ट वाइल द मराठास एंड द निज़ाम फोर्सेज अटैक फ्रॉम द नॉर्थ। कि हैदर अली और उसका जो सक्सेसर था टीपू सुल्तान उन्होंने ये वॉर लड़ा था और चारों तरफ से उनके ऊपर अटैक हुए थे। ब्रिटिशों ने उनके ऊपर वेस्ट से अटैक किया था साउथ और ईस्ट से जबकि मराठा और निज़ाम की जो फोर्सेज थी उन्होंने नॉर्थ की तरफ से अटैक किया था। द फोर्थ वॉर रिजल्टेड इन द ओवरथ्रो ऑफ द हाउस ऑफ हैदर अली एंड टीपू जिसको कि फाइनल वॉर में मार दिया गया था एंड द डिसमेंटलमेंट ऑफ मैसूर टू द बेनिफिट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी विच वॉन एंड टुक कंट्रोल ऑफ मच ऑफ इंडिया। फिर हैदर अली और टीपू सुल्तान को फिर लास्ट वाला जो फोर्थ वॉर हुआ था उसका रिजल्ट ये हुआ था कि जो हैदर अली का जो घर था उसे घर से बाहर निकाल लिया गया था टीपू सुल्तान को मार दिया गया था और मैसूर का जो मेंटलमेंट था जो भी उसका डिसमेंटलमेंट था वो सब उस सभी का बेनिफिट ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था और वो जीत गई और उसने अपना कंट्रोल इंडिया का बहुत सारा पार्ट जो था वो अपने कंट्रोल में ले लिया। अब हम यहाँ देखेंगे टीपू सुल्तान कौन थे। टीपू सुल्तान ऑल्सो नोन एज टीपू साहेब और द टाइगर ऑफ मैसूर वॉज अ रूलर ऑफ किंगडम ऑफ मैसूर एंड पायनियर ऑफ रॉकेट आर्टिलरी। कि टीपू सुल्तान जो था उसे टीपू के साहब के नाम से भी जाना जाता था टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था और मैसूर किंगडम का राजा था। ही इंट्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस ड्यूरिंग हिज रूल। उसने बहुत सारे इनोवेशन किए थे इंक्लूडिंग अ न्यू कॉइनेज सिस्टम जैसे कि सिक्का नए सिक्के चलाए थे एंड कैलेंडर चलाया था एंड अ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम एक नया उसने रेवेन्यू सिस्टम भी चलाया था विच इनिशिएटेड द ग्रोथ ऑफ मैसूर सिल्क इंडस्ट्री जिसने कि मैसूर की सिल्क इंडस्ट्री को ग्रोथ दी थी। ही एक्सपैंडेड द आयरन केस्ड मैसूरियन रॉकेट्स एंड कमीशन द मिलिट्री मैनुअल फेथफुल फतुल मुजाहिदीन। उसने अपने आयरन के जो लोहे के जो मैसूरियन जो रॉकेट थे उनको और मिलिट्री के जो मैनुअल फतुल मुजाहिदीन जो थे
सभी को उसने क्या किया था, कमीशन किया था और उसने अपने उस उनको बढ़ाया था, एक्सपांड किया था। ही डिप्लॉयड द रॉकेट्स अगेंस्ट द एडवांसेस ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस। उसने उन रॉकेट का यूज़ कहाँ करने की कोशिश की, ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट में, एंड देयर अलाइज ड्यूरिंग द एंग्लो मैसूर वॉर, इंक्लूडिंग द बैटल ऑफ पॉलिलर एंड सीज ऑफ सेरिंगापतम के सीज, और जो पॉलिलर का जो युद्ध था उसमें उसने उनका यूज़ किया था। ही ऑल्सो एम्बार्क ऑन एन एम्बिशियस इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसने हमेशा एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम को समर्थन दिया था, दैट एस्टाब्लिश्ड मैसूर एज अ मेजर इकोनॉमिक पावर, और जिसकी ही वजह से मैसूर एक इकोनॉमिक पावर के रूप में सामने आया था, विथ सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रियल वेजेस एंड लिविंग स्टैंडर्ड इन द 18th सेंचुरी। और जो बात की जो 18th सेंचुरी थी, उसमें उनका जो वर्ल्ड का हाईएस्ट जो वेजेस थे वो, और लिविंग स्टैंडर्ड सबसे ऊपर था इनका, इसीलिए जो ब्रिटिशर्स थे वो भी इसको कैप्चर करना चाहते थे। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, पहला जो एंग्लो मैसूर वॉर था वो कब हुआ था, देखो द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर इज बिटवीन 1767 to 69। सो हैदर अली गेन सम मेजर ऑफ सक्सेस अगेंस्ट द ब्रिटिश, ऑलमोस्ट कैप्चरिंग मद्रास। पहला जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था उसमें क्या दिखा कि जो हैदर अली था उसने ब्रिटिशर्स के ऊपर सफलता पा ली थी, उसने मद्रास को अपने अंडर में ले लिया था। द ब्रिटिश कन्विंस द निज़ाम ऑफ हैदराबाद टू अटैक हैदर, बट द निज़ाम चेंज साइड सपोर्टिंग हैदर। ब्रिटिशर्स ने निज़ाम, हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनको मनाया कि वो हैदर के ऊपर अटैक करे, लेकिन निज़ाम ने साइड चेंज कर ली और उसने हैदर का सपोर्ट किया। दैट वॉज टेम्प्ररी हाउ एवर, एंड द निज़ाम साइंड अ न्यू ट्रीटी विद द ब्रिटिश इन फेब 1716। ये सिर्फ कुछ ही समय के लिए उसने सपोर्ट किया था, उसके बाद निज़ाम ने ब्रिटिशर्स के साथ में एक नई संधि साइन कर दी थी फेब्रुअरी 1768। हैदर डिड कंटेंट विद अ ब्रिटिश बॉम्बे आर्मी अटैकिंग ऑन द वेस्ट एंड अ मद्रास आर्मी अटैकिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। हैदर ने क्या किया था, उसने जो वेस्ट की तरफ से तो ब्रिटिश बॉम्बे आर्मी ने उसके ऊपर अटैक किया था, और मद्रास आर्मी ने उसके ऊपर नॉर्थ ईस्ट की तरफ से अटैक किया था। हाउ एवर हैदर्स अटैक टुवर्ड्स मद्रास रिजल्टेड इन द मद्रास गवर्नमेंट सुइंग फॉर पीस एंड द रिजल्टेंट ट्रीटी ऑफ मद्रास। इसके बाद में क्या हुआ कि जैसे ही हैदर का अटैक मद्रास की तरफ हुआ, उसका रिजल्ट ये हुआ कि मद्रास गवर्नमेंट ने शांति के लिए वार्ता की, और उसका रिजल्ट ये हुआ मद्रास की संधि, ट्रीटी ऑफ मद्रास फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हुई थी। फिर ये आपका सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1780 से 84 के बीच में। दिस विटनेस ब्लडियर बैटल्स, इसको एक ब्लडियर बैटल्स यानी खून वाला युद्ध आप कह सकते हो, रक्त रंजित युद्ध, विथ फॉर्च्यून्स फ्लक्चुएट बिटवीन द कॉन्ट्रेस्टिंग पावर्स। जो कॉन्ट्रेस्टिंग पावर थे दोनों के बीच में मार काट रक्तपात सब कुछ हुआ था। टीपू डिफिटेड बाली एट द बैटल ऑफ पॉलिलर इन सेप्टेम्बर 1780। टीपू ने बाली में बैटल ऑफ पॉलिलर, पॉलिलर जिसको आप कह सकते हैं, उसमें बाली को हराया था उन्होंने 1780 में। एंड ब्रेथ वेट एट कुंभकोणम इन फेब्रुअरी 1782, और फिर कुंभकोणम में फेब्रुअरी 1782 में भी हराया था। बोथ ऑफ होम वर टेकन प्रिजनर टू सेरिंगपतम, फिर इन दोनों को सेरिंगपतम की जेल में ले जाया गया। दिस वॉर सॉ द राइज ऑफ सिर आयरे कुटे। इस वॉर की तरफ से क्या दिखा, क्या रिजल्ट आया कि जो सर आयरे कुटे था, जो ब्रिटिश कमांडर था, हु डिफीटेड हैदर अली एट द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो एंड आर्नी, उन्होंने हैदर अली को बैटल ऑफ पोर्टो नोवो और आर्नी में हराया था। टीपू कंटिन्यूड द वार फॉलोइंग हिज फादर्स डेथ, टीपू ने अपने पापा की, फादर की डेथ के बाद में उस युद्ध को जारी रखा। फाइनली द वॉर एंडेड विथ साइनिंग ऑफ अ ट्रिटी ऑन द 11th मार्च 1784, ट्रिटी ऑफ मैंगलोर। फाइनली ये सेकेंड जो एंग्लो मैसूर वॉर था वो 11th मार्च में मैंगलोर की ट्रिटी के साथ में, 1784 में 11th मार्च को ट्रिटी ऑफ मैंगलोर के साथ में ख़त्म हुआ, विच रिस्टोर्ड द स्टेटस को एंटीबेलम, जिसने एंटीबेलम का जो स्टेटस था उसको रिस्टोर किया। द ट्रिटी ऑफ गजेंद्रगढ़ इन अप्रैल 1787 एंडेड द कॉन्फ्लिक्ट विद द मराठा। फिर अप्रैल 1787 में गजेंद्रगढ़ की जो ट्रीटी हुई थी उसमें मराठा के साथ में जो भी विवाद था वो ख़त्म हुआ। फिर आता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ,
In the third Anglo-Mysore War, 1790-92, Tipu Sultan, the ruler of Mysore and an ally of France, invaded the nearby state of Travancore in 1789, which was a British ally. फिर टीपू सुल्तान जो रूलर था मैसूर का और जो फ्रांस के जो भी उनके सहायक थे, उन्होंने पास का जो स्टेट था त्रावणकोर, उसमें ब्रिटिश एली के साथ में हुआ था ये। ब्रिटिश फोर्सेस वर कमांडेड बाय गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस हिमसेल्फ। ब्रिटिश जो फोर्सेस थी वो गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने कमांड करी थी। द रिजल्टेंट वर वर लास्टेड 3 ईयर्स एंड वॉज अ रिसाउंडिंग डिफीट फॉर मैसूर। रिजल्ट ये जो वॉर था वो 3 ईयर्स तक चला था और उसके रिजल्ट में क्या आया था कि डिफीट फॉर मैसूर, मतलब मैसूर के लिए हार आई थी। द वॉर एंडेड आफ्टर द 1792 सीज ऑफ सेरिंगपट्टनम एंड द साइनिंग ऑफ ट्रिटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। ये जो वॉर था वो ख़त्म हुआ था 1792 में, जिसमें कि सीज ऑफ सेरिंग उसको सीज कर दिया गया था सेरिंगपट्टनम, और फिर सेरिंगपट्टनम में जो ट्रिटी हुई थी वहाँ साइन की गई थी, अकॉर्डिंग टू विच उसके अकॉर्डिंग क्या था कि टीपू हैड टू सरेंडर हाफ ऑफ हिज किंगडम टू द ब्रिटिश। इसमें टीपू सुल्तान को जो उसका किंगडम था उसका हाफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सरेंडर करना था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1798-99 सॉ द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान एंड फर्दर रिडक्शन इन मैसूरियन टेरिटरी। जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर था उसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी और मैसूर टेरिटरी का रिडक्शन हो गया था। मैसूर अलायंस विद द फ्रेंच वॉज सीन एज अ थ्रेट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मैसूर वॉज अटैक फ्रॉम ऑल फोर साइड। अब मैसूर के ऊपर चारों तरफ से अटैक भी होने लगा था। टीपूज आर्मी वर आउट नंबर्ड 4:1 इन दिस वॉर। इस रेशियो में, इस आर्मी में जो टीपू की सुल्तान की जो आर्मी थी उसका रेशियो 4:1 हो गया था। मैसूर हैड 35,000 सोल्जर्स वेयर एज द ब्रिटिश कमांडेड 60,000 ट्रूप्स। मैसूर में 35,000 सोल्जर्स है जबकि ब्रिटिशों के पास में 60,000 ट्रूप्स है। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द मराठास लॉन्च्ड एन इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ। और नॉर्थ की तरफ से हैदराबाद के निज़ाम और मराठास ने भी अपना आक्रमण कर दिया था। द ब्रिटिश वॉन अ डिसिव विक्ट्री एट द सीज ऑफ सेरिंगपट्टनम। उनको सीज ऑफ सेरिंगपट्टनम में वैसे ही मिल गई थी विक्ट्री। टीपू वॉज किल्ड ड्यूरिंग द डिफेंस ऑफ द सिटी। टीपू को, टीपू सुल्तान जो था वो मारा गया था नगर की सुरक्षा करते हुए। मच ऑफ द रिमेनिंग मैसूरियन टेरिटरी वॉज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। ज़्यादातर जो मैसूरियन टेरिटरी थी तो ब्रिटिश के अंडर में आ गई थी। द निज़ाम और मराठास के अंडर में आ गई थी। द रिमेनिंग कोर अराउंड मैसूर एंड सेरिंगपट्टनम वॉज री स्टोर टू द इंडियन प्रिंस बिलोंगिंग टू द वोडियार डायनेस्टी। फिर वोडियार डायनेस्टी का जो इंडियन जो राजकुमार था उसने जो बचा हुआ जो मैसूर का पार्ट था सेरिंगपट्टनम था वो ले लिया था। हुज फोर फादर्स हैड बीन द एक्चुअल रूलर्स बिफोर हैदर अली बिकेम द डी फैक्टो रूलर। क्योंकि ये जो वोडियार डायनेस्टी का जो प्रिंस था उसके जो पूर्वज थे, फोर फादर्स यानी उसके पूर्वज थे, वही एक्चुअल रूलर्स थे हैदर अली के रूलर्स बनने से पहले। द वोडियार्स रूलर्ड द रेमनेंट स्टेट ऑफ मैसूर अंटिल 1947 व्हेन इट जॉइन द यूनियन ऑफ इंडिया। ये वोडियार रूलर्स इन्होंने 1947 तक रूल किया था जब तक कि इंडिया का यूनियन नहीं बन गया।